नेक कमाई समूह की ओर से नगली सर्किल स्थित संगीत स्वर लहरी के माध्यम से 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे दीपोत्सव समारोह और प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी देते हुए समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि समारोह की शुरुआत शाम को होगी, जिसमें कला भारती के 31 कलाकार जितेंद्र सावीर के नेतृत्व में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर दीप सज्जा प्रतियोगिता भी होगी, जो जूनियर और सीनियर दो वर्गों में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी व मीना तनेजा ने बताया कि इस अवसर पर शाम को गाय के गोबर से बने दीपक और तेल उपलब्ध कराया जाएगा। यहां से चित्तौड़गढ़ की नीलिमा महादेव गौशाला से पंडित विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में बन रहे गाय के गोबर के दीपक को जलाने की श्रृंखला की शुरुआत होगी। इस बार अलवर जिले के सभी मंदिरों में गाय के गोबर से बने दीपक जलाए जाएंगे। हम लोग सर अलवर में नेक कमाई टीम की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल जो अलवर में ये हो रही है कि खुशियों वाली दिवाली, दिवाली को वैसे तो सब लोग खुशी रहते हैं क्योंकि राम राज्य की स्थापना हुई थी उस दिन, लेकिन अलवर में एक परिवार की तरह अलवर को मानते हुए जो नेक कमाई टीम ये काम कर रही है कि यहाँ पे सब लोग आए और दीपक एक जगह जलाएं और वहाँ पे दीपक रखे जाएंगे, सब लोग आके अपने घरों से और यहाँ पे सब परिवार के साथ दीपदान करेंगे। उसके साथ में संगीत चलता रहेगा, वो कला भारती के वॉलंटियर्स यहाँ पे करते रहेंगे और इस तरीके की जो पहल है वो हमें एक परिवार से जोड़ती है। अलवर एक परिवार की भाव के साथ जुड़ सकता है और जुड़ेगा उस दिन, और नेक कमाई टीम जो ये जोड़ने का काम कर रही है सभी को इस दिवाली पे, ये एक बहुत अतुलनीय कार्य है और हम लोग इसमें संगीत होगा, संगीत के साथ साथ वैसे भी बहुत सी मस्तियाँ होंगी, सेल्फी होगी और दीपक जलाए जाएंगे। सब लोग हम प्रेम से एक परिवार की तरह और भाईचारे के साथ में दिवाली मनाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें आपसे अनुरोध है कि पूरा अलवर उस दिन एक बंधन में बंधे और सब प्रेम से आके भाइयों के साथ गले मिलें और यहाँ पे दिवाली मनाएं। धन्यवाद। जैसा कि विदित नेक कमाई समूह पिछले कई माह से हर रविवार को खुशियों वाला रविवार कार्यक्रम मनाता आ रहा है, जिसमें ऐसा है जरूरतमंदों की मदद की जाती है। दीपावली के पावन पर्व से पहले रविवार को इस बार नेक कमाई समूह ने इस पर्व को एक आधुनिक और अद्भुत तरीके से मनाने का निर्णय किया है। इस रविवार को हम नगली सर्कल स्थित दीपदान कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जो कि मानस ब्रांड की तरफ से है, और संगीत संध्या भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी, जो कि देखने योग्य होगा। मैं अलवर के वासियों को निमंत्रण देता हूं कि वो भी आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आशुतोष जी, इसमें जो प्रतियोगिता होगी दीपक की, वो उसमें कौन से वर्गों में होगी और कौन भाग ले सकता है? ये दो तरह की प्रतियोगिता होगी सर, उसमें एक तो जूनियर और एक सीनियर। वो लोग अपने घर से ही दिए को बना के लाएंगे और यहाँ पर आके इनको यहाँ पे सजाएंगे, यहाँ पे टेबल की व्यवस्था होगी सारी, और जो भी उसमें अच्छा और अद्भुत तरीके से दीप प्रज्वलन को करेगा और दिया अच्छा लगेगा उसको इसका इनाम दिया जाएगा। क्या इसमें सामान्य व्यक्ति कोई भी आकर दीपक जला सकता है? उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है? कोई भी व्यक्ति, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए हमने तैयारी की है कि हमने एक तरीके से एक सेगमेंट को अलग कर दिया है नगली सर्कल स्थित अंदर गार्डन में ही, और वहाँ पे टेबल का अरेंजमेंट किया गया है और इसमें यहाँ पर आकर वो यहाँ पे शो करेंगे अपने दियों को, दीपक जलाएंगे दीपावली के पहले रविवार को, दीपावली से पहले जो रविवार आ रहा है। आशुतोष जी, इस कार्यक्रम का नाम है खुशियाँ सभी के लिए, तो इसमें क्या आपने गरीब आदमियों के लिए, जैसा कि नेक कमाई करती आई है, ऐसा भी कुछ वितरण का काम या कुछ उनके खुशियाँ बांटने का काम किया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर रविवार को ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें असहाय लोगों की मदद की जाती है, तो इस रविवार को भी निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम उसी तरीके से होगा और यहाँ पर असहाय जरूरतमंद लोगों को कपड़े वितरण करके हम उनका सम्मान करेंगे।